जैसे जैसे कैमरा पड़ा, जैसे जैसे जनता में बात गई, लोग तरसने लगे छूने के लिए, लोग बात करने लगे, ऐसे ऐसे अंदर एम्बिशन जागने लगे, और वो एम्बिशन सात्विक नहीं थी। तो इन अ वे बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, अच्छाई भी है बुराई भी है। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एज अ पर्सन। मुझे नहीं लगता मैं लाइफ में किसको मिला, एंड आई लाइक हिम एज अ पर्सन, बट जस्ट दिस स्मॉल पार्ट ऑफ हिम जो आप मेगालोमेनिया कहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बस मैं ही सब कर सकता हूँ, मैं देश सुधार सकता हूँ, बाकी सारे चोर हैं। ये जो एक्सट्रीम ब्लैक एंड वाइट पर्सनालिटी है ना, ये बहुत दिक्कत करती है। और जब पार्टी को आप टोटली कंट्रोल करते हो, सारी आपने पोजीशंस खुद ले ली है, तब आपकी जितनी वीकनेस है ये पार्टी की वीकनेस बन जाती है। तो जब आप इसको लीडरशिप ऑफ इक्वल्स करोगे तो आपकी वीकनेस समबडी कैन टेक केयर, तो ये देश के लिए पार्टी के लिए अच्छा होगा। लेकिन और कोई रखा ही नहीं था आपने, जिसके अंदर हिम्मत थी उसको इतना बुरी तरह मारा कि बाकी के लोगों में बोलने की शक्ति खत्म हो गई। लोग कहते हैं कि मतलब हाँ गुस्सैल है, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद फ्रस्ट्रेटेड है। और उनके बहुत बड़ा सपना था, उनको ऐसा लगता था कि पहले मैं दिल्ली जीतूंगा, फिर मैं पंजाब जीतूंगा, फिर मैं लाल किले में तिरंगा झंडा फहराऊंगा। तो उनका वो बीच की सीढ़ी टूट गई। राजनीति में दो चीज़ों से व्यक्ति की इज्जत होती है, या तो वो प्रिंसिपल्ड हो, सिद्धांत हो, तो लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं कि ये व्यक्ति सिद्धांतों का व्यक्ति है, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। या दूसरा लोग कहते हैं कि जनता इसके साथ खड़ी है, पॉपुलर सपोर्ट है, मास लीडर है। ये दोनों चीज़ें केजरीवाल की खत्म हो गई। पार्टी में काम करते हुए अरविंद के बारे में मेरी एक समझ बनी, लेकिन उनके बारे में अन्य साथियों से और उनके सहयोगी से बातचीत सुनने के बाद मैं कन्फ्यूज हो गया। इज ही द सेम मैन वी ऑल ट्रस्टेड? मैंने सोचा कि एक मनोवैज्ञानिक से मिलकर मैं समझने की कोशिश करता हूँ। आप ये समझिए, मेरी ज़िंदगी के पूरे लगभग 35 साल दिल्ली में गुजरे हैं, और मैं पैदा वहीं हुआ, सारी स्कूलिंग, सारी पढ़ाई वहीं से हुई। स्कूल में मेरे सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, तो आई डिसाइडेड कि मैं साइकोलॉजी लूँगा। आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल साइकोपैथ हैं? हम कहते हैं कुछ चीज़ों को, जिनको हम कहते हैं कि हमारी क्लस्टर बी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, और क्लस्टर बी पर्सनैलिटीज़ में कई सारे ट्रेट्स आते हैं। जैसे एक ट्रेट आता है नार्सिसिज्म का, कि मैं बहुत महान हूँ, मैं जो कर रहा हूँ कह रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है और मैं ही ठीक हूँ। एक और ट्रेट आता है थोड़ा सा मतलब जिसको हम कहते हैं ना हिस्टेरिकल ट्रेट, कि हमें पता भी है कि भाई हम आराम से भी बात कहेंगे तो हो जाएगी, लेकिन हम एक ड्रामा पे उतर आए। आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन एंगर के इश्यू को आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू लुक एट हिज टेम्परामेंट इन टर्म्स ऑफ नार्सिसिज्म एंड अदर ट्रेट्स व्हिच यू? नार्सिसिज्म ये नहीं है कि मैं बहुत स्पेशल, उनका नार्सिसिज्म ये है कि मैं, मेरे सिद्धांत बहुत स्पेशल हैं इसलिए मैं बहुत स्पेशल हूँ, ऐसा उनका जो नैरेटिव है इस तरह का है। किसी में नार्सिसिज्म है वहाँ एंगर होगा होगा, क्योंकि आई विल टेल यू द रिलेशन बिटवीन द टू। नार्सिसिज्म में आदमी को ये लगता है कि मैं जो हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत स्पेशल है, अनोखा है, और मेरा कोई मैच नहीं है। तो उससे एक ऑटोमेटिक ये एक्सपेक्टेशन आती है कि लोग जो मैं कह रहा हूँ वो करें, क्योंकि वो ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके माइंड में ऐसा है, पर उस आदमी को ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने बोल दिया वो ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, एंड बाकी सबको मेरे जैसे एक तरह से अधीन रह के मुझे सपोर्ट करना चाहिए। नार्सिसिस्ट के साथ आप तभी निभा सकते हो जब आप उनकी ईगो मसाज करो, और ईगो मसाज 24/7 365 days बेसिकली बात नार्सिसिज्म की कर रहे हैं। तो जो नार्सिस्ट लोग होते हैं बहुत इनसिक्योर होते हैं, कि और मतलब एक दोनों चीज़ें होती है। देखो, एक तो मैं कहूँगा कि ह्यूमन बीइंग वैसे सारे आप और मैं भी इनसिक्योर होते हैं कि हमें भी कोई बहुत बड़ा एक मकाम मिल जाए, तो ये डर तो रहता है कि भाई जब एक बार जब कहते हैं ना कि जब एक बार आपने वो बॉलीवुड स्टार वाला ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस कर लिया, कि भाई आपके इंटरव्यू आ रहे हैं, दुनिया ये करिए, दुनिया आपके पीछे है, लोग आपके भक्त हो गए हैं, लोग आपके फ़ैन हो गए हैं, तो वो छूटने का डर तो एक आम आदमी को भी होता है, हर किसी को होता है, मैं कह रहा हूँ कोई भी जाएगा। लेकिन जो एक नार्सिस्ट पर्सन है उसके लिए वो डर इंटू 10 हो जाता है, 10 times बढ़ जाता है, क्योंकि वैसे ही इतनी नीड होती है कि लोग मुझे एडमायर करें, या मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, या मैं वो समझा जाऊँ, और वो इस थ्रेट, उनके लिए इट्स वेरी थ्रेटनिंग। अरविंद में एक खासियत है, एक सब कुछ है,
अरविंद अपने से बड़ा किसी को नहीं देख सकते, अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकते, इवन अपने बराबर भी किसी को नहीं देख सकते। अरविंद को शीशा देखना बहुत बढ़िया बढ़िया लगता है। अरविंद को सिर्फ अरविंद 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 कहते रहो, अरविंद जिंदाबाद, उसको बहुत अच्छा लगता है। जब मैं 31 दिन उसकी यात्रा पे था तो मुझे अरविंद बार बार ये कहते थे, सिर्फ लोगों से ये बोल, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, ये बोल कि अरविंद आ रहे हैं, उससे मिलने के लिए आप आ रहे हो, अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल, मतलब अरविंद को बहुत अच्छा लगता है। और अरविंद अपने मुकाबले किसी को सामने देख ही नहीं सकता, भीड़ में जाके कुछ हो जाते हैं और कमरे में आके कुछ हो जाते हैं।